हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय चैनल हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा ट्वेल्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डेलीगेशन ए मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही इज कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज ओन एक मैनेजर चाहे वो कितना भी कैपेबल हो वो सारे जो काम हैं उनको अकेले मैनेज नहीं कर सकता द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल इट ऑल बाई हिम सेल्फ जो काम की जो वॉल्यूम होती है उसकी वजह से किसी भी मैनेजर के लिए खुद सारे काम को हैंडल करना पॉसिबल नहीं है एज ए कॉन्सिक्वेंसिज इफ ही डिजायर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फोकस ऑन ऑब्जेक्टिवस एंड एन्श्योर दैट ऑल वर्क इज अकम्प्लिस्ड ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी अगर कोई मैनेजर जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको अचीव करने की इच्छा रखता है उसका जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव्स पर है और वो सारा जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट करना चाहता है तो ही मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी उसको जो अथॉरिटी है उसका डेलीगेशन करना पड़ेगा मीन्स कुछ अथॉरिटी अपने सब ऑर्डिनेट्स को देनी पड़ेगी ताकि वो जो है काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकें डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबोर्डिनेट डेलीगेशन का मतलब है कि जो अथॉरिटी है उसको नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करना मीन्स जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल पहले भी पढ़ा था कि जैसे कि आपकी क्लास टीचर है उसने उसका काम है कि वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करे लेकिन एक क्लास टीचर सारा काम अकेले नहीं कर सकती तो उसने क्या किया कि क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट किया और उसको अथॉरिटी दी जो तो भी बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो ना करें उनका जो नाम है मुझे बताएं इससे जो है टीचर ने अपनी अथॉरिटी अपने क्लास स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर दी इससे क्या हुआ कि जो टीचर थे उसका जो है एक काम कि क्लास में डिसिप्लिन जो मेंटेन करने का काम है वो किसके पास चला गया मॉनिटर के पास चला गया और इससे क्या हुआ कि टीचर के पास काम कम हो गया और जो मॉनिटर है उसको सीखने को मिलेगा कि उसको किस तरह की लीडरशिप करने की आवश्यकता है किस तरह से वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकती है जब कोई सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है सब को तो इससे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं जो कि हम अब आगे जब इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो पाएंगे इट इज ए प्री रिक्विजिट टू दफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन

टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव इससे सबोर्डिनेट किसी भी काम को पहचानने की मीन्स काम को सीखने की जो नीड है वो सेटिस्फाई होती है और वो उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि उनसे इससे उनका जो है डेवलपमेंट हो पाए जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया था कि इससे सबोर्डिनेट जैसे कि मॉनिटर है वो ये सीख पाएगी कि, कि किस तरह से वो अपनी क्लास को मैनेज कर सकती है तो इसी तरह से जब कोई भी मैनेजर अपने सबोर्डिनेट को कोई काम ट्रांसफ़र करता है कोई अथॉरिटी देता है तो वो उस काम को पूरा करके उसमें जो है एक डेवलपमेंट हो पाएगा और उनको कोई भी काम को करने का इनिशिएटिव मिलेगा डेलीगेशन हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वट हील्फ कैन डू डेलीगेशन करने से एक मैनेजर को हेल्प होती है कि वो अपना टाइम सेव कर पाता है मीन्स उसके पास जो ऑलरेडी काम है वो उससे भी ज्यादा काम कर सकता है और उसके पास वही एक्टिविटीज रहती है जो कि वो खुद कर सकता है मतलब कि उसके पास जो काम का बर्डन है वो इससे कम होता है हावएर डेलीगेशन डज नॉट मीन एबडिकेशन हालांकि ये डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको उस काम से छुटकारा मिल गया है द मैनेजर बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क जो मैनेजर है वो अभी भी जो काम उसने सब को असाइन कर दिया है वो अब मैनेजर अभी भी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर उस काम में कोई मिस्टेक होती है तो इससे के लिए वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा इसका मतलब ये है कि मैनेजर को उस काम को भी चेक करना पड़ेगा कि वो काम सही से हुआ है कि नहीं मॉर एवर द अथॉरिटी ग्रांटेड टू ए सबोर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रिडेलीगेटेड टू अनोदर पर्सन और जो अथॉरिटी सबोर्डिनेट्स को दी गई है अगर सबोर्डिनेट उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है तो मैनेजर उस अथॉरिटी को उससे वापस लेकर किसी और को भी दे सकता है 10 irrespective of the extent of delegated authority the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation और वो मैनेजर तब भी उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह से वो पहले रिस्पॉन्सिबल था यहाँ पर ये यह दो डेफिनेशन दे रखी है डेलीगेशन की डेलीगेशन इज द प्रोसेस ए मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम सो दैट ही परफॉर्म्स दैट पार्ट विच ओनली ही बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसमेंट कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन गेट टू हेल्प विद वाट रिमेंस जो लुइस एलन थे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि डेलीगेशन एक प्रोसेस है जो कि एक मैनेजर फॉलो करता है और वो जो काम उसको मिला है उसको सब को डिवाइड करके असाइन करता है ताकि जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो और वो वो यूनिक काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उस एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी पे की है तो वो उस हिसाब से अपना ज़्यादा काम कर सके और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव हो सके जब वो अपना काम दूसरों को डेलीगेट कर देगा तो वो जो दूसरे काम हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसमें भी अपना पार्ट दे सकता है वो उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है सेकंड जो डेफिनेशन है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबोर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब यह है कि सब को अथॉरिटी देना ताकि मैनेजर का, का काम लिमिटेड जो टाइम पीरियड है उसमें पूरा किया जा सके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन हम कल पढ़ेंगे प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच